हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। तो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दें। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है द हाई प्रेस्टिस। नेक्स्ट आया है फोर ऑफ सोर्स। नेक्स्ट है द फूल। नाइन ऑफ सोर्स। लास्ट आया है एट ऑफ कप्स। यहाँ पर एयर साइन है कुंभ मिथुन तुला, एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, वाटर साइन भी है मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। तो व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर इंपॉर्टेंट हैं, फोर नंबर, नाइन नंबर, एट नंबर, ये आपकी बर्थ डेट्स या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी सैड एनर्जी में हैं, आपको मिस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं। और हाई प्रिस्टिस के कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के दिल में जो उथल उथल मची हुई है, जो हलचल मची हुई है, वो किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने दिल में छुपा कर रखे हुए हैं, वो किसी को बता नहीं रहे हैं, बहुत सैड हैं, रातों को उठ उठ कर जाग रहे हैं और नींद नहीं आ रही है, उन्हें गॉड से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। फोर ऑफ सोर्स का कार्ड देख रहे हैं ना कि वहाँ एक पर्सन लेटा है और गॉड से प्रे कर रहा है। इस वक्त आपके पर्सन की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है। नेक्स्ट है द फूल। तो देख रहे हैं एक पर्सन केयरफ्री नेचर का है, उसने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो बिना सोचे समझे की हैं, उसके बाद उसको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी कर दी जो नहीं करनी होती हैं लाइफ में, और ऐसी कुछ चीज़ें जो दूसरों को हर्ट कर दें या ऐसी कुछ बातें बोल दें जो दूसरे हर्ट हो जाएँ। तो ऐसा ही लग रहा है नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड को देख कर कि आपके पर्सन ने जो गलतियाँ की हैं अब उन्हें रियलाइज हो रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जीवन में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी जिन्हें सुधारा जाना भी मुश्किल सा हो रहा है। अब उनको ऐसा लग रहा है ये दुनिया, ये महफिल, ये लोग मेरे काम के नहीं हैं और मुझे दूर चले जाना चाहिए। देख रहे ना एट ऑफ कप्स के कार्ड में कि एक पर्सन है जो चले जा रहा है, आगे ही चल रहा है, पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और मौके उसके इंतज़ार में हैं, बट उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, बट वो लाइफ में आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। उसको तो ऐसा लग रहा है कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उसने खो दिया है आपको खोने के बाद। अब वो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता, काफ़ी सैड एनर्जी में है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हर्मिट मोड में चला गया है। लाइफ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, अब वो बस इसी तरह सिंगल लाइफ जीना चाहता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है व्यूअर्स, इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी सैड एनर्जी में है, डिप्रेशन और एन्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई नहीं दे रही हैं। उनको बस ऐसा ही लग रहा है कि उनका दुख इतना बड़ा दुख है जिसे जीवन में उनको सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्यूअर्स, इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, वो ऐसा ही महसूस कर रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। रात को जब उनकी आँख खुल जाती है तो उनको नींद नहीं आती, आपको याद करते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं।